वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ उल्का पिंड, मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कुछ मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में, जो कि प्रोसेस में कुछ उल्का पिंड कहलाते हैं, कुछ उल्का कहलाते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले बेल्ट है। ये बेल्ट में एस्ट्रॉइड्स की संख्या लगभग अनुमानित किया गया है 40,000 के करीब। तो ये बेल्ट में एस्ट्रॉइड ऐसे चीजों को कहते हैं जो कि चट्टानी रूप, धात्विक रूप और बर्फीले रूप में होते हैं। ये लगभग कुछ क्षुद्र ग्रह के रूप में ही होते हैं, मतलब कोई पृथ्वी के समान भी है, कोई बुध के समान भी है। इतने बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं। कुछ एस्ट्रॉइड उसमें से अलग हट करके 1 मीटर के करीब छोटे भी होते हैं। तो 1 मीटर के चौड़े में जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं उनको हम लोग मेट्रोइड कहते हैं, यानी कि उल्का पिंड हमारे एस्ट्रॉइड के ही पार्ट हैं, जो कि 1 मीटर के करीब उनका विड्थ होता है। इसके बाद जो मेट्रोइड अपने से हट करके पृथ्वी की तरफ आने लगता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रवेश करता है और घर्षण से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींच करके उल्का ये जो मेट्रोइड है वो आने लगता है वायुमंडल में, जैसे प्रवेश करता है उसका नाम पड़ जाता है मेट्रोइड। लेकिन वो घर्षण के कारण वो प्रवेश नहीं कर पाता और जलने लगता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में इसको हम लोग कहते हैं मेट्रोइड्स। उसी जगह पे यहाँ पे अगर ये तारा केवल प्रवेश करने करते करते बच जाता है, मतलब ये केवल स्पर्श करता है, इस वायुमंडल को स्पर्श करता है, तो स्पर्श करते हुए उसको हम लोग कहते हैं मेट्रोइड्स उल्का। यही जब अगर हम लोग देखें कुछ कॉमेट्स के रूप में आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे गैसीय गोले होते हैं जो कि टूटते हैं तारे से और बहुत छोटे रूप में धारण अपने आप को करते हैं, तो होता क्या है कि सूर्य के करीब से गुजरने वाले कुछ ऐसे कॉमेट्स होते हैं जो कि उनका एक पुच्छल रूप में प्रकाश उत्सर्जित होता है सूर्य के कारण, और ये सूर्य से अगेंस्ट जाने लगते हैं। अब सूर्य से अगेंस्ट में जाने लगते हैं तो उनका पुच्छ बहुत चमकीला नजर आता है। इस डायग्राम को देखा जाए तो इस तरह से इसका प्रकाश, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस तरह से पड़ने लगता है, जिसके कारण ये बहुत साइन करता है। ये साइनिंग पार्ट हुआ। साइनिंग पार्ट यानी कि ये पीछे बहुत सारा टेल के रूप में इसको बोला जा सकता है। इस टेल को हम लोग कोमा के नाम से जानते हैं, यानी कॉमेट का जो टेल होता है, पूंछ होता है, उसका कोमा नाम दिया जा सकता है। अभी ज्ञात हम लोग के करीब में अभी जो 1986 में अंतिम बार देखा गया था वो हेली कॉमेट है, हेली, जो कि 76 साल में करीब एक बार देखा जाता है। तो हर 76 साल में ये अपने आप को दिखाता है, हम लोग के सामने से होकर गुजरता है, ये हेली कॉमेट। इसके बाद आता है कि हम लोग का कॉमेट का हिंदी धूमकेतु होता है। लगभग पूरी तरह से 1 लाख संख्या हम लोग को काउंट अभी किया गया है। यह आकाशीय धूल है, बर्फ है और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो अंधेरे में रहते हैं सूर्य से दूर, यानी कि सूर्य से कुछ दूरी पे अंधेरे में इनका निर्माण होता है या अवस्थित रहते हैं। ये किसी कारणवश वहां से अलग हटते हैं और किसी के गुरुत्वाकर्षण में आकर अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण उनका निर्माण ऐसा हम लोग देखते हैं जब भी ये प्रकाशित होते हैं। नहीं तो ये तो आ रहे हैं, मतलब हमेशा ये इनका आवागमन होते रहता है, बस सूर्य का किरण पड़ा, हम लोग को आंख से दिखा, प्रकाशित हुए, तभी माना जाता है। तो अभी तक का ज्ञात हेली कॉमेट है, यहां तक की बात कॉमेट्स के बारे में। इसके बाद आता है कि कृत्रिम उपग्रह के मामले में अगर बात किया जाए, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग के द्वारा डेवलप किया गया है, इसका सिस्टमेटिक ढंग से क्या डेवलपमेंट है कि पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए मैक्सिमम 3 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं। मिनिमम हम लोग को 3 चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक पूरी तरह से वॉल्यूम जो मैक्सिमम होता है वो स्फीयर का होता है, लेकिन अगर हम किसी एक पॉइंट से इसको देखना चाह रहे हैं तो इसके आधे पार्ट को ही हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, और आधे पार्ट को यहां से देखेंगे, ठीक है। मानते हैं कि 2 आप लोग को लगता है, लेकिन कुछ पार्ट में हम लोग का ये पार्ट छूटता है, इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग ये वाला देखता है, दूसरा भाग आपका
ये वाला देखता है और तीसरा भाग ये आपका देख लेता है, इससे 100% कैप्चर हो जाता है। इसलिए मिनिमम हम लोग को तीन चाहिए, तीन सेटेलाइट हम लोग को चाहिए। अच्छा, अब ये जो सेटेलाइट है ये किस तरह से कितने ऊंचाई पे उड़ाना चाहिए, कितने ऊंचाई पे लॉन्च किया जाता है, अवस्थित किया जाता है, तो जिस ऊंचाई पे लॉन्च किया जाता है मिनिमम 320 से 1100 किलोमीटर पे लॉन्च किया जाता है, इस ऊंचाई को हम लोग कहते हैं पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग जो पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं ये 24 घंटा में अपना परिक्रमा पूरा करता है। हालांकि कोई भी ऊंचाई दीजिए, चाहे 3600 किलोमीटर दीजिए चाहे 320, वो पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ प्रतीत होता है, जिसको हम लोग लगता है कि वो स्थित अपने जगह पे है, हालांकि वो भी घूमता है। अब ये सैटेलाइट अगर है तो इसको हम लोग जब फिक्स कर रहे होते हैं, अगर 320 से 1100 किलोमीटर पे है तो इसको हम लोग कहेंगे पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, अगर ये 3600 किलोमीटर पे है तो इसको कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 3600 किलोमीटर पे है। अब ये सैटेलाइट जो है ये इक्वेटर से कब कब गुजरता है, ये गुजरते रहता है लेकिन एक निश्चित समय पे 9 से 10 बजे सुबह के बीच, 9 से 10 बजे के बीच ये पार करता है। अच्छा, ये इसका जो रीजन तय होता है, ये रीजन जहां पे इसका एक फोकस जा रहा है इसका सेंसर का, तो वो एरिया कहलाता है स्वाथ, और स्वाथ का जो विड्थ होता है लगभग 10 से 100 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, ये इक्वेटर पर 9 से 10 बजे के बीच गुजरता है, इसका विड्थ 10 से 100 किलोमीटर, 320 और 1100 किलोमीटर के हाइट पे अगर ये अवस्थित है तो ये किस ऑर्बिट में है, पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर 3600 किलोमीटर के ऊंचाई पे है तो उस ऑर्बिट को हम लोग कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को ये सब सारा पॉइंट कुछ क्लियर हुए होंगे। तो हम फिर से रिकैप कर देते हैं, ये जो एस्टेरॉयड होते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले 40,000 की संख्या में है, ये मेट्रोइड भी कहलाते हैं, कब, जब ये 1 मीटर वाइड में होंगे, और दूसरा ये मेट्रोइड मेट्योर कब कहलाएंगे, जब टूटता है और वहां से हट करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर के ये प्रवेश करते हैं उसके वायुमंडल में और जलना प्रारंभ कर देते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से, तो ये पहुंच नहीं पाते हैं पृथ्वी पर। अगर पहुंच पाते हैं तो वो चट्टान रूप लेते हैं या कोई भी बहुत सारा पर्वत श्रेणियां हैं जो हमारा मेट्योर से ही बना हुआ है, तब की बात कुछ और थी, अभी वो सब कुछ नहीं होता है। मेट्योराइट्स आपका मेट्योर ही है लेकिन ये केवल पृथ्वी का वायुमंडल को टच करते हुए जाता है, कभी कभी ये पहुंच पाता है लेकिन टच करते हुए जाता है, और ये पूरी तरह से क्या है, पृथ्वी के स्पर्श करते हुए, जहां पे हम लोग का बहुत सारा सुनामी वगैरह भी आने का डर खतरा रहता है या बहुत सारा वोल्केनो फटने का डर रहता है, तो दैट इज मेट्रोराइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये क्लियर है आपको, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट और बहुत सारा कुछ ये सब पॉइंट्स है। आई थिंक स्टूडेंट फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये पॉइंट्स पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्लेनेट को और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसलिए मैंने पहले ही डाला। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लेनेट के बारे में बताऊंगा वन बाय वन, मरकरी, वेनस, पृथ्वी, जैसे जैसे आते चला जाएगा वन बाय वन, थोड़ा डीपली में जाकर डेप्थ में जाकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।